हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज को हम बोलेरो का सर्विसिंग कर रहा है, क्या क्या चेंज कर रहा है अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑयल को हम लोग डाउन कर ले, ये देख सकते आप लोग। हम लोग बाद में नया डालेंगे इंजन ऑयल, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कूलेंट सभी ठीक है कि नहीं। अगर कूलेंट कम है और ख़राब हो गया, हम लोग कूलेंट को भी हम लोग चेंज करेंगे। एंड यू कैन सी गाइस दैट्स आवर डीजल फिल्टर, बोलेरो का डीजल फिल्टर ऐसा होता है। बोलेरो में आपको 7 लीटर इंजन ऑयल डालना होता है। एंड आप लोग को दिखाएंगे मोबिल फिल्टर का प्लेसमेंट, ये अंदर में ये मोबिल फिल्टर का प्लेसमेंट। अभी हम लोग डीजल फिल्टर को लगा रहा है। डीजल फिल्टर का प्लेसमेंट ठीक बैटरी का सामने होता है, ये देख सकते आप लोग। BS4 में आपका ये मोटर सिस्टम होता है, BS3 में आपका पम्प सिस्टम होता है, ये देख सकते हैं। डीजल फिल्टर अभी लगा रहा है। एंड गाइस दैट्स आवर मोबिल फिल्टर, ये देख सकते हैं। ये महिंद्रा का है, ये जेन्युइन है। आप लोग ये लगाइए आप लोग का गाड़ी में, महिंद्रा बोलेरो में या बोलेरो पिकअप में। मोबिल फिल्टर को हम लोग फिटिंग कर दिया, अभी हम लोग इंजन ऑयल डालेंगे। एंड जो कंपनी से सजेस्ट करता है, जो ग्रेड का आप लोग को इंजन ऑयल डालना होता है, वही डालिए, क्योंकि इंजन के लिए भी अच्छा होता है एंड इंजन भी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी हम लोग चाबी को ऑन करेंगे ताकि जो मोटर फ्यूल टैंक में लगा होता है वो आराम से फ्यूल को फिल्टर से होके डायरेक्ट इंजन में पास कर सकेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है गाइस, अभी हम लोग फिल्टर चेंज किया, सो अभी ये थोड़ा अभी हवा ले रहा है, लेकिन जो मोटर है फ्यूल टैंक में वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये आराम से ये हवा को निकाल देंगे एंड जब ये फ्यूल अच्छा से आना शुरू हो जाएगा तब आप लोग को ये बंद करके रख देना चाहिए, तब आपका गाड़ी आराम से चलेगा। इस गाड़ी का कूलेंट भी थोड़ा ख़राब हो गया, सो अभी हम लोग कूलेंट को भी चेंज करेंगे। लेकिन जितना भी कूलेंट अभी गाड़ी के अंदर है, अभी हमें उसको भी ड्रेन करना पड़ेगा। सो जो रेडिएटर है, रेडिएटर का नीचे एक स्क्रू होता है, वो स्क्रू खोलने से जितना भी कूलेंट गाड़ी के अंदर होता है वो सब निकाल जाएगा रेडिएटर का नीचे से। जितना भी कूलेंट था रेडिएटर के अंदर हम लोग सभी को निकाल दिया। अभी क्या कर रहे हैं कि साफ पानी से रेडिएटर को साफ कर रहे हैं एंड देन हम लोग जो नया कूलेंट है उसको डालेंगे। अभी हम लोग नया कूलेंट डाल रहे हैं, उसके बाद गाड़ी को थोड़ा देर के लिए स्टार्ट करके रखेंगे। एंड प्लीज़ डू फॉलो दिस स्टेप, आप लोग भी कूलेंट डालने के बाद गाड़ी को थोड़ा देर के लिए स्टार्ट करके रखिए। नेक्स्ट अभी हम लोग एयर फिल्टर चेक करेंगे, बट आई गेस द कंडीशन ऑफ एयर फिल्टर इज़ नॉट गुड। देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा निकल रहा है एयर फिल्टर से। द कंडीशन ऑफ द एयर फिल्टर इज़ नॉट गुड, हम लोग को एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू इंस्टॉल द न्यू वन। ये रहा हम लोग का नया एयर फिल्टर, हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड गाइस बोलेरो पिकअप एंड बोलेरो पैसेंजर का अलग अलग होता है। जो पैसेंजर में ऐसा नेट करके आता है, ये देख सकते हैं ये वाला लगता है पैसेंजर में। एंड जो पिकअप में होता है वो थोड़ा अलग होता है। पीपल माइट फूल यू, सो आप लोग फूल मत होइए, ये वाला इंस्टॉल कीजिए, ये जेन्युइन वाला है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप चारों चक्के का ब्रेक पैड एंड ब्रेक्स को चेक कर रहे हैं, अगर वो लोग का कंडीशन अच्छा नहीं है देन वील चेंज विद द न्यू वन। आगे में दोनों ही ब्रेक पैड का कंडीशन अच्छा है, अभी हम लोग पीछे में चेक करेंगे पीछे का ब्रेक्स को। पीछे का दोनों ही ब्रेक्स वो ख़राब है, सो अभी हम लोग दोनों को चेंज करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी आप लोग को दिखाएंगे, तो देखते रहिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए। अभी हम लोग ब्रेक्सों का ऊपर का लेयर को निकाल रहे हैं एंड वील इंस्टॉल द न्यू वन। एंड एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये सेट ख़राब नहीं होता आप लोग चेंज मत कीजिए, बस ऊपर का लेयर लगाने से हो जाता है। एंड सम ऑफ द मैकेनिक्स वो लोग क्या होता है, वो थोड़ा लेजी होते हैं, आप लोग को सेट लाना बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर ख़राब हुआ तभी चेंज करना।
अगर आप लोग सेट लगाते हैं तो आप लोग को थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। आप लोग बस पीछे दोनों चक्का का ब्रेक शू का ऊपर बस लेयर लगाता है तो आपको 620 पड़ जाता है दोनों चक्का के लिए। एक ब्रेक शू का काम हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसका ऊपर लेयर बिठा दिया एंड बाकी का काम हो रहा है अभी। नेक्स्ट अभी हम लोग ब्रेक शू को बिठा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग इसका जो पिन होता है आप लोग पिन भी चेंज कीजिए, नया वाला लगाइए। एंड देख सकते हैं आप लोग ये जो ड्राम है, ये ड्राम को भी हम लोग ने बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है, इट्स लुकिंग न्यू नाउ। अभी नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग ब्रेक एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे ये ब्रेक ऑयल को निकाल के अभी इसका जो हवा होता है इसको निकाल के अभी ठीक बना रहे हैं। सो गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप कि ये थोड़ा नॉलेजेबल रहा आप लोग के लिए एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।